ये इवेंट तो हम इनॉग्रेट करना है, लेकिन ये इवेंट रशद साहब का है, ये एक आर्टिस्ट है और हमारी कोशिश है कि हम हर एक हफ्ते या नो योर आर्टिस्ट इनिशिएटिव में हम जो जम्मू एंड कश्मीर के जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स को शोकेस करें, ताकि आप सबको भी देखने को मौका मिले और बाकी आम जनता को भी देखने का मौका मिले. सो वी आर वर्किंग टू एनहांस एक्सपोर्ट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट इज वन ऑफ द की एरियाज ऑन विच द गवर्नमेंट इज वर्किंग. यू वुड हैव नोटेड दैट ओवर द लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स हैव मोर देन ट्रबल, दे वर अबाउट 563 क्रोर्स last year, this year ending they were 116 crores. So our and the majority of these exports are handicraft, handloom, carpets, pashmina and all. We will continue to work to promote the these exports, handicraft, handloom exports as much as possible, and ensure that the best of JNK is seen and made available to the वर्ल्ड ओवर. ये आप समझ लीजिए कि मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. एक आर्टिस्ट जो चाहता है कि एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा हॉल मिले, गैलरी टाइप हॉल मिले, जहाँ पर वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी पेंटिंग्स को, अपने फ़न को जाहिर करने की कोशिश करे और लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट चाहता है पेंटिंग करने के बाद इसको मैं शेयर करूँ. तो शेयर वो कहाँ करे, या तो मतलब कोई गैलरी तो होनी चाहिए उसके लिए. अगर यहाँ पे हम देखते हैं ये हॉल, ये एक गैलरी टाइप है, तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने इसमें बहुत ज़्यादा ताउन दिया, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है. वो चाहते हैं कि यहाँ का आर्ट बूस्ट हो जाए, यहाँ के जो बडिंग टैलेंट्स हैं, हालांकि अब मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, हमारे बहुत सारे जूनियर्स हैं जो काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अपने काम को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है. नहीं, मैं चार सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ साइमल्टेनियसली. एक तो मेरा है कुरानिक कैलीग्राफी विद लैंडस्केप, दूसरा है मेरा रियलिस्टिक लैंडस्केप, तीसरा है मेरा सर रियलिस्टिक लैंडस्केप, चौथा जो सब्जेक्ट मेरा, क्योंकि आर्टिस्ट कोई बाउंड नहीं है, जब जो चाहे वो कर सकता है, आज़ाद है, कर सकता है काम. तो चौथा जो मेरा है वो है फिगरेटिव आर्ट, उसमें वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव पेंटिंग्स हैं जिसको हम कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट में पेश करते हैं, वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, या उस लेवल पर हम वो काम करने की कोशिश करते हैं. कि आर्टिस्ट जो होता है इसका अपना एक एक्सप्रेशन होता है, वो उन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है जिसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो, अगर हम मशीन्स को देखेंगे वहाँ पर कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है पेंटिंग में, यहाँ पर एक ऐसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है जो एक आर्टिस्ट के लिए, जो पेंटिंग के लिए या जो लोगों के लिए, आर्ट लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए एक आर्टिस्ट का अपना मकाम है, वो जो हम करते हैं मैकेनिकल जो है वो एक अलग चीज़ है जिसमें प्रोडक्शन है. इसमें क्या है कि पेंटिंग मस्ट बी वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड. अगर आप यहाँ पर मेरी ये एक पेंटिंग देखते हैं, दिस इज़ ओनली पेंटिंग इन द वर्ल्ड, ये इसकी एक खासियत है. दूसरी हम ऐसी नहीं बनाते हैं, ना हम बना पाएंगे, क्योंकि हम फिर वो कॉपी नहीं करते हैं, हमें कोई फन नहीं उसमें, कोई मकसद नहीं है. तो पेंटिंग जो है ये एक ऐसा इनर एक्सप्रेशन है कैनवस के ऊपर जो वन एंड ओनली होता है इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पर जो मैकेनिकल जो है उसकी बहुत सारी कापीज, हज़ारों कापीज, लाखों कापीज निकल सकती हैं, और उसका वैल्यू जो होता है वो कम हो जाए, डिवैल्यू हो जाता है. पेंटिंग का वैल्यू सिर्फ इसलिए, आप देखिए मोनालिसा का पोर्ट्रेट, वो सिर्फ एक दुनिया में है, उसको कॉपी अगर किया गया, रेप्लिका बनाया गया, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि असल पोर्ट्रेट जो है वो कोई चोरी ना करे. वो आप समझ लेंगे ना मेरी बात, हाँ, क्योंकि दैट हैज बीन स्टोलन सो मेनी टाइम्स, तो इसलिए उन्होंने मजबूरन उसके कुछ रेप्लिकास बनाए हैं. अदरवाइज पेंटिंग जो होती है ये सिर्फ एक होती है दुनिया में, इसमें ये अपना एक वैल्यू है. मैसेज ये है कि जो हमारे से जूनियर है, जो हमारे से जूनियर हैं, जो बडिंग टैलेंट्स हैं, जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करना, क्योंकि मेहनत जो है, हार्ड वर्किंग लीड्स अ मैन टू डेस्टिनेशन एंड द पर्सन हु इज लक्जरियस रिमेन्स ऑलवेज डाइवेस्टेड ऑफ सक्सेस. कामयाबी से महरूम अगर कोई रहता है वो इंसान रहता है जो आइडल बैठे. काम करना है, लगन से काम करना है, डेडिकेशन दिखानी है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये पेंटिंग बाद में बिके या ना बिके, क्योंकि आर्टिस्ट उस चीज़ के लिए काम कभी नहीं करता है. ही नेवर वर्क्स फॉर सेल एंड ऑल दैट. वो काम करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. देयर आर पीपल हु हैव हाई एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, दे कैन गेट इट ऑफ द वर्ड्स. अगर नहीं भी कोई पेंटिंग बिकती है तब भी आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम बेचने के लिए काम बेसिकली नहीं करते हैं.
तो ये एक ऐसा अर्ज है, ये एक ऐसा पैशन है कि जो हमें ज़रूरी है, इसके बगैर एक आर्टिस्ट ज़िंदा नहीं रह सकता है। बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करे वो तब तक टेंटलाइज होता है जब तक वो आर्ट लवर्स को अपना काम शेयर नहीं करता, उनके साथ उनको दिखाता नहीं है, जब उसको प्लेटफॉर्म मिले, गैलरी मिले डिस्प्ले करने के लिए। देखिए आज मेरी ये पेंटिंग्स 33 पेंटिंग्स डिस्प्लेड यहाँ पर है, लोग आ गए, उन्होंने कम से कम मुझे भी पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो हालांकि मैं कोई ऐसा ये नहीं हूँ, मैं एक मामूली आर्ट स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट।